रणबीर लव्स प्राची, रणबीर प्राची से प्यार करता है। मैं प्राची के बिना नहीं रह सकता। हेलो, मैंने वैसे भी उससे समझाया था कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास्ट में क्या हो रहा है और क्या नहीं, फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपके प्रेजेंट में क्या हो रहा है और क्या नहीं। एंड आई होप कि वो इस बात को समझ गया होगा कि वो अपने इस अफेयर को ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकता। उसे समझना होगा कि अब उसकी शादी मुझसे हो रही है और यही प्रेजेंट उसकी लाइफ है और इसी में उसको जीना होगा और उस प्राची को भुलाना होगा। नहीं यार, बहुत हुआ तेरा। कम ऑन यार, ये सारी चीजें बंद कर। ये बियर एंड वाइन, इसे ना तेरा कोई सॉल्यूशन मिलेगा ना ही तेरा कोई पेन कम होगा। डू यू गेट दैट? इजी आप, प्लीज जस्ट फेस द वर्ल्ड, जस्ट फेस इट। या तेरी भी खुद की कोई जिंदगी है राइट, जिसे तुझे जीनी है जैसे तू पहले जीती थी। चल अब उठ एंड सबसे पहले लुक एट योर फैशन शो का वीडियोस एंड पिक्चर्स। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू वर। Just see your family pictures and see how blessed you are to have them. क्या करूँ मैं इसका? रणबीर के लिए अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर रही है। मैं अपनी फ्रेंड को इस हालत में नहीं देख सकती। I have to do something. ये अच्छी लग भी रही है कि नहीं लग रही? प्राची को फोन करता हूँ, वो बताएगी। अब क्या मतलब? अब क्या मतलब फोन क्यों किया? ऐसे बोलो ना कि रणबीर तुमने फोन क्यों किया है, या अब क्या मत बोला करो। Exactly, ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना, इसी की वजह से बोल रही हूँ कि अब क्या। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। सॉरी, मैं फोन पे नहीं देख सकती। आई नो तुम फोन पे नहीं देख सकती, पर फोन पे सुन तो सकती हो। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि मेरे पे ब्लू कलर कैसा लगेगा। कौन सा ब्लू? वो कलर याद है, आज ब्लू है। बारी 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 बारी, तुम्हें फोटो खींच के भेजता हूँ ना, एक सेकंड रुको। कलर बहुत अच्छा है पर तुम पे सूट नहीं करेगा। अगर इतना अच्छा कलर है तो मुझ पे सूट क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा कलर अच्छा है। तुम अच्छे नहीं हो। तुम अच्छे होते ना, मतलब जरा भी गुड लुकिंग होते ना, तो शायद सूट करता। क्या हुआ? नहीं, वो तुम्हारा जोक इतना खतरनाक था ना, हंसी तो निकली नहीं, जान निकल गई मेरी। जान नहीं, तुम्हारी अकड़ निकल गई होगी। कभी किसी लड़की ने बोला नहीं होगा ना तुम्हें कि तुम अच्छे नहीं लगते, तुम हैंडसम नहीं हो। बकवास, अब जोक मारना बंद करो। यू नो व्हाट प्राची, तुम पहली लड़की हो जो मेरी हंसी उड़ा रही है और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तुम जब हंसती हो ना तो मेरे को कुछ कुछ होता है। पागल। पर तुम बहुत बुरी हो। क्या? हाँ मतलब, मेरा मतलब तुम बहुत बुरी एक्ट्रेस हो। तुम माया को कन्विंस ही नहीं कर पाई कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम कर पाए उसे कन्विंस? अरे ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है, हम दोनों को मिलकर उसको यकीन दिलाना पड़ेगा अपनी लव स्टोरी पे। हमें अपनी लव स्टोरी स्ट्रॉन्ग बना रही है, हमें अपना प्यार स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं उसको। तब जाके उसको यकीन होगा और वो चैलेंज होगी और मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, मेरा पीछा छोड़ देगी वो। हाँ, पर करेंगे कैसे? आई एम थिंकिंग। रणबीर, आर यू डन? प्राची, माया 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 यहाँ पर है। अब सुनो, मैं उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि अब तू कि वो या नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ना, मैं रोमियो बन जाऊंगा और तुम जूलियट की एक्टिंग करना। ओके? क्या? अरे यार, मैं तुमसे प्यार भरी बातें करूंगा उसके सामने और प्रिटेंड करूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ताकि उसको लगे कि ताकि वो जेलस हो जाए। पर एक बार वो जेलस हो जाएगी ना तो मुझे छोड़ देगी। आर यू रेडी? ओके ओके, समझ गए। प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्राची, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोले क्या करे, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा दिल क्या कहता है। और मेरा दिल ये कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल पूरी जिंदगी जैसा लगता है। मैं चाहता हूं इन छोटे छोटे पलों में मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ निकल जाए। रणबीर, वो अभी भी है वहां? हाँ। रणबीर, आर यू डन? प्राची, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, और तुम टेंशन मत लो, मेरे माया की बिल्कुल टेंशन नहीं है। मैं उसको संभाल लूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। और मुझे ना तुम्हारी अभी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो तुम मुझे ऊपर वाले जो रूम है 1001 में मिलो की प्लीज, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आई विल सी यू देयर। ओके, बाय। ये कुछ ज्यादा ही हो, माया समझ जाएगी।
प्राची, it's working. तुम मुझे ऊपर मिलो, उसको थोड़ा और जला दे। प्राची, जल्दी मिलो ना मुझको। I can't wait to see you. Okay? Bye. आलिया शायद ऑफिस गई होगी। हाय। यस मीरा। वो एक्चुअली माया और रणबीर का एंगेजमेंट कार्ड आया था। आई थॉट आई शुड गिव इट टू यू। वो रख दो तुम, मैं देख लूंगी। ओके। मीरा थैंक यू। जब से माया रिया की लाइफ में आई है तब से रिया घर में ही नहीं रहती। आई थिंक घर में उसे रणबीर की याद आती है और वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाती। अंदर ही अंदर घुट रही है मेरी रिया। आई थिंक शी इज नॉट एबल टू हैंडल ऑल दिस। रिया ने गलती भी तो इतनी की है। लोगों की लव लाइफ में एक विलन होता है, रिया की लाइफ में तो यहाँ तो दो लेडी विलन है, माया और प्राची। दोनों के दोनों रणबीर के पीछे पड़ी हुई हैं। थोड़ी गलती मेरी भी है कि मैंने रिया की हेल्प नहीं की और बात पढ़ते पढ़ते इतनी बढ़ गई है। आई थिंक आई शुड कॉल हर। मुझसे भी बात नहीं करनी है। वैसे ये सारी गलती ना उस प्राची की है। प्राची अगर रिया रणबीर के बीच में नहीं आती तो रिया माया को बीच में नहीं लाती। वो दोनों तो दूर हुए नहीं, रिया और रणबीर दूर होते जा रहे हैं। वैसे इस वक्त प्राची से बड़ा खतरा माया है। इस वक्त माया को टैकल करना ज्यादा जरूरी है। आई विल हैव टू हैंडल माया फर्स्ट एंड देन प्राची। मुझे ना अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो तुम मुझे ऊपर वाले जो रूम है 1001 में मिलोगी प्लीज। बाय। नहीं, मैं रणबीर को किसी और का नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ मेरा। मेरे हाथों में मेरी लव लाइन है और मेरी मुट्ठी में रणबीर की लाइफ। वैसे तुमने मुझे रिंग तो पहना ही दी, अब बस मंगलसूत्र भी पहनाना ही पड़ेगा। आज तक मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा नहीं आया जो मेरा अपना हो, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहूं, और वो मेरा अपना तुम हो रणबीर। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। यार मैं एक्टिंग कर रहा था या सब कुछ सच? रणबीर एक्टिंग ही कर रहा था ना? ऑफ कोर्स एक्टिंग कर रहा था। तो फिर मुझे क्यों कुछ फील हुआ जब उसने कहा कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता? But I'm sure प्राची ने भी कुछ फील किया, क्योंकि जब मैंने उसको बोला कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता वो भी चुप हो गई थी। हेलो बोल। आर्यन तो बिलीव नहीं करेगा यार मेरे साथ क्या हुआ। इतना कुछ हो गया है तेरे साथ, तुझे लगता है कुछ रह गया है जो मैं बिलीव ना करूं? तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। Trust me. I believe you, bro. चलो बता क्या हुआ है। मेरी सांस चढ़ी हुई है यार। पर मेरी सांसें तो लुक गई है। लेकिन क्यों, क्या हो गया? देख, पहले मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि माया के सामने एक बैड बॉय बनके दिखाऊंगा, एक बैड बिहेवियर दिखाऊंगा, ताकि वो खुद शादी से विड्रॉ कर ले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं प्राची के साथ प्यार करूंगा, वो फेक रोमांस दिखाऊंगा ताकि माया को जेलस फील करा सकूंगा। यू नो व्हाट आई मीन, फेक बॉयफ्रेंड वाला लव। मेरे सामने तो बोल नहीं सकता, प्राची के सामने क्या बोलेगा? क्या क्या कहा तूने? नहीं, मेरा मतलब है, मैं समझ गया।
माया के सामने प्राची के साथ फेक रोमांस दिखाना, बराबर? चलना आगे बोल। सो बेसिकली मैं एक्टिंग कर रहा था स्टार्टिंग में प्राची के सामने, और मैं उसको बोल रहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक्टिंग सच्चाई में बदल गई। मैंने उसके सामने सारी फीलिंग्स रख दी यार। एक सेकंड, मेरे को स्टार्टिंग से बोल पूरी चीज। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, तो किसी और को क्या बताऊं? यूजुअली माँ से बात करती हूँ, पर ये बात कैसे करूँ? वो तो पहले ही मेरे और रणबीर के बीच में चीजें ढूंढ रही हैं, बात का बतंगड़ बना देंगी। शाहना से बात कर सकती हूँ, पर वो लड़की पागल है, उससे बात करना मतलब पत्थर पे सर पटकना। 100 साल परेशान करेगी मुझे। हाँ बोल। मैं तो बोलती रहती हूँ, तू बता क्या चल रहा है? रणबीर के साथ शॉपिंग पे गई थी ना। इतनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आई। कोई मूवी का प्लान तो नहीं बन गया ना? रोमांटिक मूवी होगी, और रणबीर ने उसे देख के तुझे प्रपोज कर दिया होगा, और फिर उसके बाद तुम दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली और सीधा हनीमून पे चले गए। वो जो खा रही है ना मुट्ठी भर भर के साथ, जबान काबू में रहेगी। अच्छा सुन, कुछ शेयर कर रही हूँ, पहले प्रॉमिस कर, ठीक से समझेगी, सुनेगी, फिर से समझेगी, उसके बाद मुंह खोलेगी। हाँ हाँ प्रॉमिस। शाना, मुझे समझ में आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। तेरे साथ क्या हो रहा है ना, मैं सब समझ गया। देखो सच्चा वाला प्यार हो गया है, वो भी प्राची से। अब देख ये वाली लाइन तूने कितनी लड़कियों को बोली है, लेकिन फीलिंग्स के साथ सिर्फ प्राची को। एंड एज यू सेड, यू मेंट एवरी वर्ड यू सेड। तू मानेगा नहीं, जब मेरे साथ हो रहा था ना, तो मेरा दिल ना ऐसे धुक 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 करके धड़क रहा था, मुझे लग रहा था ऐसे बाहर आ जाएगा। तुमने संभाला उसे? किसे? प्राची को। अरे यार मेरा दिल ना बहुत ज्यादा शोर कर रहा था, तो मैंने अपने दिल को संभाला, समझता नहीं है? और तुझे पता है जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स मेरी आज से पहले किसी के लिए नहीं आए यार। मैंने रिया के लिए भी ऐसा फील नहीं किया। तो प्राची के साथ आई ना, बस। तो प्राची और फीलिंग्स दोनों को पकड़ के रख और एंजॉय कर अपने फर्स्ट लव को। कैसे एंजॉय करूं? प्राची को तो लग रहा है ना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आई कांट लूज हर यार, वो मेरे साथ लड़ती रहे, पर मेरे साथ रहे एटलीस्ट। तो ठीक है, मैं गॉड से प्रे करूंगा कि तुम लोग दोनों ऐसे ही लड़ते रहो। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, एक दिन लड़ते लड़ते ना प्राची को भी एक दिन तुझसे ऐसे ही प्यार हो जाएगा। और जब तक प्यार नहीं होता है तब तक दोस्ती यारी जिंदाबाद। जैसी ये माया मेरे सामने आ जाएगी ना, इस दोस्ती में ना प्यार का रंग चढ़ा दूंगा। माया से याद आया, प्राची को मैंने रूम में बुलाया मुझसे मिलने के लिए। एक सेकंड, रूम में क्यों बुलाया? अरे रूम में इसलिए बुलाया क्योंकि मैं माया को जेलस फील करा रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझे रूम में मिलो। अबे सुन, हार्ट बीट नॉर्मल है ना? तू कितनी बातें करता है यार। चलो रखता हूँ, खामखा लेट करवा दिया। अबे खुद लगा पड़ा है, मेरे को बोल रहा है लेट करवा दिया। हाँ तो तेरा ही नाम लगाऊंगी ना, तू ही हमेशा वो शाहरुख खान और शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्में देख देख के मेरा दिमाग खराब करती है, डायलॉग बोलती रहती है दिन भर। तूने इतने सालों में तो कभी शिकायत नहीं की, आज क्यों कर रही है? अरे क्योंकि आप जो देखते हो सुनते हो दिमाग में तो वही चलता रहता है ना। तू मुझे तो चुप करा लेगी, पर अपने दिल को कैसे चुप करवाएगी? वो तो तब तक पूछता रहेगा ना। इस फीलिंग को क्या नाम दूँ? बोला ना कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है। मैं नहीं मानती। अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करे और बोले कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और किसी लड़की का ये सुन के दिल नहीं धड़का हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैडम जब दिल धड़कता है ना तो प्यार वाली फीलिंग आ ही जाती है। तो सच बोल, जब रणबीर ने तुझे ये सब बोला तेरा दिल धड़का था कि नहीं? नहीं। चल झूठी, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बहुत नॉर्मली बात की। वो तो मैं तुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए तुझे लग रहा है। मुझे ना अब ये रणबीर के मुँह से सुनना है। तू कैसे सुनेगी जब मैं यहाँ हूँ उसके साथ? तो ही सुनाएगी। चल फोन के स्पीकर का बटन ऑन कर, अभी मैं खुद सुनूंगी, उसकी आवाज से पता लगाऊंगी कि बात में कितनी फीलिंग्स थी, कितने इमोशंस थे। अच्छा सुन, मैं रखती हूँ, कोई आया है शायद। अरे सुन सुन प्राची, फोन काट दिया। तुम कुछ भी कर लो माया, रणबीर मेरी रिया का है और किसी का नहीं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने, तो ये कैसे ना करूं? रणबीर उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है और वो मैं उसे दिला कर रहूंगी। गेम खेल कर फंसाया है ना तुमने रणबीर को, तो अब ये क्वीन ऑफ गेम्स तुम्हें बताएगी कि गेम कैसे खेलते हैं। रिया सिर्फ मेरी नीस नहीं, जान है, और मेरी जान को कोई भी तकलीफ दे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्राची ओपन द डोर, मुझे पता है रणबीर अंदर, दरवाजा खोलो। क्या करूं, दरवाजा खोलू या नहीं, रणबीर तो अंदर है ही नहीं। तोड़ दो माया, तुम दरवाजा तोड़ ही दो, तुम जो चाहे कर लो,
मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, क्योंकि तुम्हें अंदर आने देना मतलब हमारी लाइफ में आने देना, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और रणबीर के बीच में आओ। रणबीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और हमारी शादी हो के रहेगी। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा, हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई सिर्फ ओपन द डोर। मुझे पता है रणबीर रणबीर यहाँ नहीं है। मुझे ना मालूम है रणबीर अंदर ही है। नहीं मतलब है, रणबीर यहीं पे है पर यहाँ नहीं है, मतलब वॉशरूम में है। वॉशरूम शावर ले रहा है। वो नहा क्यों रहा है? क्यों नहा रहा है मुझे क्या पता, गर्मी लग रही होगी तो नहा रहा होगा। गर्मी क्यों लग रही है उसे? प्राची आज तो तुम गई, बुलाओ आई सेड। देखो तुम किसी से भी बात करो, मुझसे करो, रणबीर से करो, तुम्हें जवाब एक ही मिलने वाला है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रणबीर तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? मारवट तो नहीं गई? हेलो, संगीत का कार्ड मिला मुझे। सी राइट नाउ आई एम इन स्ट्रेस। आप ये सब मुझसे बात मत कीजिए, स्पेशली उस संगीत के बारे में तो बिल्कुल नहीं। आंखें खराब हैं या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नाम देखो फोन पर। आलिया मेहरा बात कर रही हूँ। तुम भूल गई? तुमने ये डील मेरे साथ की थी, मैं तुम्हें रिया की लाइफ में लेकर आएगी ताकि तुम रणबीर और प्राची को अलग कर सको। लेकिन यहाँ तो तुम ही रणबीर के साथ शादी करने के सपने देख रही हो। अब बिल्ली को दूध लाने भेजोगे तो वो दूध पी ही लेगी ना। पर यहाँ आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं, प्रॉब्लम है प्राची। रणबीर और प्राची दे आर हैविंग अफेयर। आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकती तो मैं क्या शादी के सपने देखूंगी? मुझसे एंगेजमेंट करने के बावजूद भी रणबीर प्राची से मिलता है, प्यार भरी बातें करता है। मैंने खुद सुनी है उनकी ये सारी बातें। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रणबीर Go on, I'm listening. रणबीर और प्राची इस वक्त एक होटल के रूम में है। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ? बाकी तो यू कैन अंडरस्टैंड ना। मैं गई थी रणबीर से बात करने उस रूम में, पर वो प्राची, उस प्राची ने ना मुझे अंदर नहीं आने दिया। आई नो आपको गुस्सा आ रहा होगा, पर आपसे ज्यादा गुस्सा ना मुझे आ रहा है। मुझे कोई कैसे अपने फियांसे को किसी और लड़के के साथ, वो भी एक रूम में। इस वक्त तो ये खुद इमोशनली वीक है, यही राइट टाइम है इसे यूज करने का। जो लोग इमोशनली वीक होते हैं उनका दिमाग कम और दिल ज्यादा चलता है। इस वक्त मैं इसे जो कुछ भी कहूंगी ये मान लेगी, बिना ये सोचे समझे कि मैं रणबीर को इसके लिए नहीं रिया के लिए अलग कर रही हूँ। माया तुम शांत हो जाओ, जस्ट काम डाउन। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। उसे तुम्हारे फियांसे को तुमसे छीना है, अलग नहीं किया है। वो इस वक्त तुमसे दूर है, तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम रणबीर को अपने पास वापस ला सकती हो। वापस वापस कैसे ला सकती हूँ मैं उसे? पहले तो तुम ये सोचो कि रिजेक्टेड का ताज लेके जीना कैसा लगता होगा। जिस लड़के से तुम्हारी शादी होना चाहिए थी वो तुम्हारे सामने किसी और से शादी करेगा, तुम्हारे सामने किसी और के साथ हनीमून जाएगा। जिस फियांसे के साथ तुम फैमिली बनाने वाली थी अब वो किसी और के साथ फैमिली बनाएगा। और सोसाइटी, सोसाइटी तो यही बोलेगी ना कि शायद से लड़की में कमी थी, लड़के को पता चल गया इसलिए वो दूर हो गया उससे। और तुम्हारे फादर लोग तो यही कहेंगे ना, इतना बड़ा आदमी और अपनी बेटी की इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। सो ह्यूमिलेटिंग, सो सो पैथेटिक। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं प्राची को मार देती। अगर मैं उसे नहीं मार सकती ना तो मैं खुद को मार देती। क्योंकि जो लाइफ तुम रणबीर के साथ जीना चाहती हो वो तो प्राची जिएगी, और जो लाइफ वो तुम्हें देगी तुम जी नहीं पाओगी। तो घुट घुट के मरने से अच्छा है अपनी लाइफ एक झटके में खत्म कर दो। क्योंकि जो मौत जो प्राची तुम्हें देगी उसमें ह्यूमिलेशन होगी, और जो मौत तुम खुद को दोगी उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। तो अब मरना है या उसे मारना है ये तुम खुद डिसाइड कर लो। मेरी लाइफ का यही फॉर्मूला है माया, मार दो या मर जाओ, लेकिन अपने प्यार को अपने सामने मरता हुआ मत देखो। मेरी लाइफ का यही फॉर्मूला है, मार दो या मर जाओ, लेकिन अपने प्यार को अपने सामने मरता हुआ मत देखो।